एक्सक्यूज मी। हाँ जी। हाय। हेलो। आप मेरा इंतज़ार कर रही थी क्या? नहीं, आप कौन? मेरा नाम श्यामा है, आपका नाम? मेरा नाम निशा है। आप निशा कौन? आप मेरा इंतज़ार कर रही थी? नहीं, मैं फिर किसका इंतज़ार कर रही थी आप? मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर रही यहाँ पे। मैं तो फिर कर लो इंतज़ार, ऐसे क्यों बैठे हो? मैं इंतज़ार कर भी रही हूँ तो आपको क्या? नहीं, अगर आप मेरा इंतज़ार कर रही है तो इंतज़ार नहीं कर रही, मैं आपको जानती हूँ जो मैं। फिर किसका इंतज़ार कर रही हो आप? मैं आपका इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जानती हूँ। किसका इंतज़ार कर रही हो फिर? मैं इंतज़ार करूँ या ना करूँ, मैं कुछ भी करूँ, मेरे को आपको क्या? नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं है, आपको तो मैं जानती भी नहीं हूँ। आप अकेले ऐसे बैठी थी यहाँ पे तो पूछ रहे हो आप मेरे से सवाल जवाब क्यों? अगर सवाल पूछ लिया तो इसमें गलत कर दिया। आपको नहीं पूछना चाहिए जब मैं आपसे बात नहीं कर रही। आप किससे बात कर रहे हो? क्यों, आप तो कर रहे हो ना, मेरे से ही तो बात कर रहे हो आप। अच्छा बताओ, क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी क्या प्रॉब्लम है? आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप मेरी देखिए बोल रहे हो, मैं आपको जानती नहीं हूँ तो मैं आपसे बात क्यों करूँ? तो आप इतनी गर्म क्यों हो रही हो, क्यों गुस्सा हो रहे हो? शांति से रहो ना, शांति से भी बात किया जा सकता है। क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो आप? क्यों आप मेरे से बात? आप महरानी हो कहीं की? कोई बात नहीं कर सकता। नहीं, मेरे को बात ही नहीं करनी आपसे। बट किस बात के लिए? आपके बात करने के पैसे लेते हो आप? बात बाहर निकली हूँ, मेरे को प्लीज रहने दो। आप इतने दिन बाद क्यों निकले हो? रोज निकलो। मेरी लाइफ आपकी तरह नहीं है ना। क्यों मेरी लाइफ आपकी तरह? फॉर्च्यूनर में घुमाया जाता है मेरे को, ऑटो रिक्शा, मेरे को यहाँ घूमना है। अच्छा, तो मतलब आपको फॉर्च्यूनर में नहीं घूमना है? आपको ऑटो रिक्शा बस, मेरे को ये सब चीज पसंद है ज्यादा। आप नहीं समझ, मतलब आपको ज्यादा लग्जरीज, आपको ज्यादा फैसिलिटी मिल गई है, वो आपको नहीं पसंद? नहीं पसंद है मेरे को। तो आपको क्या पसंद है? आपको ऑटो में जाना है? हाँ जी, अच्छी लाइफ आपको नहीं पसंद है? रोड पे धक्के खाने नहीं देते बाहर, आप नहीं समझ सकते। आपको रोड पे धक्के खाने हैं? मेरे को रोड पे धक्के नहीं खाने, लेकिन हर चीज मिलती है मेरे को घर में, लेकिन वही चीज नहीं मिलती मेरे को। फ्रेंडों के साथ बाहर घूमना होता है मेरे को, इतनी सारी चीजें। तो आपको फ्रेंडों के साथ बाहर घूमना है तो जाओ ना, घूमो ना, रोका किसने है आपको? क्यों नहीं जाते? मेरे पापा कहीं नहीं जाने देते। पापा रोकते हैं, आपके पापा आपकी केयर करते हैं तो रोकते हैं आपको, तो इसमें गलत क्या है? तो उनको तो रोकना तो चाहिए ना भाई, वो आपके पापा है तो उनको रोकना तो चाहिए। क्यों नहीं रोकेंगे वो आपको? आप नहीं समझ सकते मैम। क्यों? जाओ प्लीज, समझा करो। अच्छा ये बताओ, आपके पापा रोकते क्यों है आपको? मेरे पापा एक्चुअली में बिजनेस मैन है। अच्छा, तो इस चक्कर में बाहर नहीं निकलने देते। हाँ, तो जब आपके लिए सब चीज करते हैं आपके पापा है, आपका फैसिलिटी है, बट मेरे पापा मेरे को बाहर बिल्कुल नहीं निकलने देते। मेरे भी तो फ्रेंड सर्कल है, मुझे भी तो बाहर घूमना है। हाँ, तो सब जब आपके लिए सब है, जब आपके लिए सब कुछ आपके पापा करते हैं, घर में लाके भी देते हैं। अब सुनोगे मेरी बात? हाँ, अब चुपचाप होकर के 2 मिनट मेरी बात सुनो। जब आपके लिए करते सब कुछ आपके पापा है, आपके लिए रहना आपके पापा करते हैं, खाना आपके पापा करते हैं, आपके लिए सब कुछ आपके पापा करते, तो अगर उन्होंने मना ही किया कि आपको नहीं जाना है बाहर, वो आपकी केयर करते, तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत है इसमें? क्या गलत है? नहीं समझ सकते। बाहर भी क्यों घूमना है? आपके दोस्त करेंगे आपके लिए क्या? नहीं आते आपके लिए आपके दोस्त करेंगे क्या? कुछ भी बिल्कुल करेंगे। दोस्त आपके दोस्त क्या कर देंगे आपके लिए? आपके दोस्त आपके एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी आ जाएंगे, मेरे को अभी नीड है पैसों की। कितने लोग आ जाएंगे? अभी पैसे लेकर आ जाएंगे, पैसे भिजवा देंगे मेरे को। आपके दोस्त लोग? हाँ जी। इसी बात पे एक काम करो, आपका जो ये भरम है ना वो टूट जाएगा। आप अपने दोस्त को फोन करो और बोलो कि मित्र मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, पूछ लो एक बार, कर लो एक बार। आपको मेरी बातें फनी लग रही है ना, एक बार करके चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। कर लो आप, कर लो फोन, चेक कर लो एक बार। हेलो, हाँ शिव, मेरे को ना पैसों की नीड है, आप मेरे को 5,000 रुपये करवा सकते हो अभी? क्या? कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ओके, मैं किसी और से पता करती हूँ। आपको तो 10 मंगाना था, 5 क्यों मंगा रहे हो? 10 मंगा लो ना। वो अभी उसने बाहर कहीं दिए हैं, इस वजह से है नहीं। कोई बात नहीं, किसी और से मंगा लो। कोई बात नहीं, किसी और से मंगा लो, मेरे को नहीं मंगवाना, मेरे को अभी जरूरत नहीं। आपको रियलिटी चेक हो गई ना, आपने जिसको भी फोन किया होगा, हो सकता है वो सारे दोस्तों में आपका बेहतरीन दोस्त होगा, उसको आपने फोन किया। हाँ जी, जो आपके लिए 5,000 रुपए के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता है, आप किसी को फोन करके ये बोल दो कि जल्दी फटाफट आ जाओ, मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, फटाफट बुला लो। नहीं आएंगे अभी। अरे तो क्यों, जब आपके लिए करते सब फैमिली है, आपको तो क्यों दोस्तों के लिए आपको इतना करना है? क्यों आपको क्या मिल रहा है? लेकिन दोस्त भी तो हर चीज, फैमिली थोड़ी ना होती है, दोस्त भी तो बहुत कुछ होते हैं। किस लिए दोस्त होते हैं आपके? उतार चढ़ाव के लिए दोस्त होते हैं? बाहर घूमे, घूमने के लिए आपको चाहिए?
खाए पिए मौज करें। आपके पैसे से वो खाएंगे कि उनके पैसे से आप खाओगे, बता दो मुझे। दोनों ही खाएंगे, कुछ भी करे हमारी लाइफ पे। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खिलाऊंगी, उसके पास होंगे तो वो खिलाएगा ना मेरे को। तो आपने इतने दिनों में कभी किसी को तो खिलाया होगा? आज फोन करके किसी को बोलो कि मेरा वॉलेट घर छूट गया, एक रेस्टोरेंट में पेमेंट करना है, कोई कर देगा तो बताना मुझे। मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम श्यामा है, नाम बदल देना। आप जैसी लड़कियों के बारे में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, वो मैं समझती हूँ। आपके पापा आपकी अच्छी, शट अप मैम। आप समझोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझोगे। मेरी लाइफ बहुत बेकार है, मैं जेल से छूट कर आई हूँ, मेरे को थोड़ा सुकून के चाहिए पल। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं आपको बताऊँ क्या आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम ये है ना कि आपकी फैमिली आपकी ज़रूरत से ज़्यादा केयर करती है, और आप हैं एकदम संस्कारहीन लड़की। आपको नहीं फर्क पड़ रहा है कि आप अपने पापा के बारे में बुराई कर रहे हो? मैं अपने पापा के बारे में बुराई नहीं कर रही, बस मैं क्या बोल रहे हो आप अपने पापा के बारे में? आप बोल रहे हो कि मेरी जिंदगी खराब कर दी है। बाहर क्यों नहीं निकलने देते हम? मेरी भी तो, अरे तो बाहर नहीं निकलने। अगर मेरे पापा ने मुझे मना किया कि बेटा आज वहाँ नहीं जाना है आपको, मैं नहीं, वो हमेशा कभी नहीं जाने देते फ्रेंड के साथ, कभी भी नहीं। तो फ्रेंडों को घर बुला लो। मेरी फ्रेंड कितना घर आएंगी, उन्हें भी अभी तो आप फोन करके मेरी बात सुनो कि तू भी मेरे घर आ जा। तो मैं, मेरे को पापा नहीं जाने देते तो आपको किसी के साथ तो जाने देते होंगे ना? अकेले नहीं जाने देते, आई अंडरस्टैंड, बट किसी के साथ जाने की परमिशन तो होगी ना आपको? मैम आप नहीं समझ सकते मेरी प्रॉब्लम बहुत। अच्छा मैं नहीं समझ सकती हूँ। आप जैसी लड़की का ना फायदा पूरी दुनिया उठा सकती है, क्योंकि उनको पता है कि आप फैमिली से वीक हो, क्योंकि आपको फैमिली के अगेंस्ट करके लोग कितना फायदा आपका उठा सकते हैं आपको पता भी नहीं है। हाँ पता है, पर आप समझो ना, आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ भी नहीं पता है। आपको अभी एक रियलिटी चेक हुआ है ना? हाँ जी। कि आपके दोस्त ने आपके 5,000 रुपए मांगे, वो अवेलेबल नहीं था, तो आपको ये सोचना चाहिए, आपके ये भेजे में आना चाहिए कि आपके लिए, आपकी फैमिली के अलावा आपके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, ये आपको सोचना चाहिए। पर पढ़ के आप कुछ भी नहीं, आपको बोलना चाहिए आप बेवकूफ हो जो आप इतनी सारी बातें के बावजूद भी आप किसी के बारे में सोच रहे हो। सॉरी मैंने आपको गलत बोला हो तो। आपके घर पे क्या पता है कि आप अभी कहाँ हो? मैंने घर पे बता के ही नहीं आई, मैं पीछे। आपको फौरन घर जाना चाहिए और उनको इन्फॉर्म करना चाहिए क्या आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपकी फैमिली आपके बारे में सोचती है, आपके अलावा कोई भी आपके बारे में नहीं सोचेगा। सो यू हैव टू गो होम राइट नाउ और वहाँ जाके आप उनको इन्फॉर्म करो। ओके, बट मैं अभी नहीं जाऊँगी, एक घंटे बाद। एक घंटे बाद नहीं, आप अभी जाओ बता कर। मैं आपसे, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप अभी जाओगे ना, आपके पिताजी खुद आपको लेकर के बाहर आएंगे घुमाने। आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप यहाँ अकेले बैठे हो, इससे अच्छी बात है कि आप अपने पिताजी के साथ घूम लोगे। अब फटाफट जाओ घर पहुंचो, फटाफट। नंबर क्या है तुम्हारा बताओ, टाइप करो नंबर अपना। आप अपने पिताजी का भी नंबर टाइप करो, फटाफट जाओ, आप घर जाओ, घर पहुंचो जल्दी से जाकर के। सॉरी आपको बुरा लगा हो तो। अरे बुरा क्या लग रहा है, आप इस तरीके से बात ही कर रहे हो। जाओ आप घर पहुंचो, घर पे इन्फॉर्म करो, कोई पूछना चाहिए कि आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं है, समझ रहे हो आप? फटाफट जाओ आप। आपने देखा कि कैसे वो अपने घर से थोड़ा सा परेशान होकर यहाँ पे थी। ऐसे पेरेंट्स को ना थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी डॉटर या फिर उनके जो भी नियर में जो भी है, उनका गलत फ़ायदा कोई दूसरा उठा सकता है। और हाँ, इस वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारे टीम ने कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनाया है जो आप अपने डॉटर या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड या फिर आप अपने घर में जितने भी आपको जिसका केयर है उनके फ़ोन में इंस्टॉल करके आप उनके ऊपर उनके सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं। तो आप उसके लिए दिए हुए नंबर पर मैसेज कीजिए, और हाँ वहाँ से आपको बहुत सारी डिटेल देखने को मिलेगी।